डमरपुर नहर में अज्ञात युवती का शव मिलने पर मृतका के शव का पंचायतनामा शिनाख्त की कार्रवाई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर थाना बेला पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए हत्या का सफल अनावरण कर अभियुक्त को गिरफ्तार करने काबिज से आला कत्ल बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। थाना बेला क्षेत्र के अंतर्गत एक अज्ञात युवती का शव डमरपुर नहर में मिला, जिसकी सूचना पर थाना बेला पुलिस द्वारा शव का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम से अज्ञात शव युवती के एंटीमार्टम इंजरी से मृत्यु होना पाया गया, जिसकी जांच उपनिरीक्षक आशीष भारद्वाज द्वारा कराई गई। बाद में जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर थाना बेला के अंतर्गत तो अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना बेला क्षेत्र में डमरपुर नहर में एक अज्ञात युवती का शव 4/3/21 को बरामद हुआ था। उस शव की शिनाख्त के लिए हमारे द्वारा अथक प्रयास किए जा रहे थे और उसी क्रम में जो शिनाख्त है लड़की की वो एक युवती के रूप में हुई, जो कि जिसकी उम्र 16 वर्ष थी। और जब आगे उसमें पूछताछ की गई तो इसमें पता चला कि उसके अपने पास के ही गांव के एक लड़के से बातचीत होती थी और उस बातचीत होने के कारण ही जो उसका भाई है रोहित उसके द्वारा उसका मर्डर किया गया था और मर्डर करके जो बॉडी थी उसको नहर में फेंका गया था। रोहित ने दौरान पूछताछ ये कबूल किया कि उसने रात्रि में कहा सुनी होने पर अपनी बहन को सर पे डंडा मार के उसका मर्डर किया और हत्या करने के बाद वो घर में ही उसने अपनी बहन की जो शव है उसको रखे रखा। और ज़्यादा रात होने पर एक गाड़ी जो उसके पास थी उसकी सहायता से चादर में लपेट के शव को नहर में डाल दिया। इसमें जो आला कत्ल है वो अभियुक्त की निशानदेही में बरामद किया गया है और साथ ही जो कार जिसमें ट्रांसपोर्टेशन किया गया था वो भी बरामद की गई है। और इसमें SHO बेला और उनकी टीम द्वारा एक बिल्कुल ही ब्लाइंड केस जिसमें एक अज्ञात युवती की बॉडी मिली थी उसकी सही शिनाख्त करते हुए घटना का सफल अनावरण किया गया है।